ये हमारे पास ग्लास कट गला है, इसको चौरस गला भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको इस सूट के साथ की पट्टी निकली हुई है ये लगाना बताऊंगी, या फिर लेस, आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे लेस हो चाहे पट्टी हो। ये पट्टी निकली थी सूट के साथ, इसको मैंने दोनों साइड से ये देखिए इस तरह फोल्ड कर लिया है, तो ये एज अ एक तरह से लेस बन गई है। तो आपको मैं इस चौरस गले में लेस लगाना बताती हूँ, क्योंकि इसमें कई जनों ने पूछा है कि आप हमें लगा के बताइए, क्योंकि ये जो कोने होते हैं कोने हमसे बनते नहीं है। तो सबसे पहले आपने पट्टी बना लेनी है इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके, और यहाँ पे आपने रखनी है थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा, रख दीजिए क्योंकि बाद में हम फिनिशिंग दे देंगे, अभी थोड़ी सी रख लेते हैं फालतू। यहां से आप रख के आइए और यहां पे बिल्कुल आपने किनारे पे आ जाना है, बिल्कुल एंड पे। अब जो एंड है, एंड के नीचे, ये जो एंड है इसके नीचे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे पट्टी के ऊपर। ये हमारा 1 इंच का निशान एंड के बाद है पट्टी के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर यहां से 1 इंच जहां पे हमने निशान लगाया है वहां से हमने पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है। ये देखिए ये निशान से हम पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली है, और देखिए यहां पे ये कॉर्नर बन गया है। अब आपने सिलाई टेढ़ी लेके आनी है कॉर्नर तक। और अब आप इस सिलाई को बैक ले जाएंगे, उसी कोने पे आप चले जाएंगे दोबारा से, फिर आपने पट्टी अपनी तरफ खींच लेनी है। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से कॉर्नर बन गया है और कोई सिलाई भी नहीं दिख रही है। अब फिर आपने ऐसे करना है, यहां से कॉर्नर के बाद 1 इंच आपने निशान लगा लेना है, फिर दोबारा से ऐसे। अब आपने मशीन बिल्कुल कॉर्नर पे रोक लेनी है और यहां से हम पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। 1 इंच हमने ऊपर की तरफ पट्टी फोल्ड कर ली और उसी तरह पहले की तरह हम ये सिलाई लगा देंगे बिल्कुल कॉर्नर पे आके। आपने फिर सिलाई ऊपर की तरफ ले जानी है, यहाँ पे आके रोक लेंगे, और ये जो पट्टी है हमारी अब फिर हम इसको अपनी तरफ ले लेंगे। ये देखिए अब ये फिर कॉर्नर दोबारा से यहाँ पे भी बन गया है। अब आपने ऊपर की तरफ पट्टी लगा देंगे। मैं आपको निकाल के बताती हूँ एक बार, शर्ट यहाँ से मशीन से हटा के। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल सीमलेस है, ये इसमें कोई भी सिलाई आपको दिख नहीं रही है और बहुत फिनिशिंग से लगती है ये। तो आप फिर दोबारा से इसे यहाँ से शुरू करें। ये हमारी पट्टी इस तरह फिनिशिंग से लग गई है और इसमें कोई भी सिलाई आपको नजर नहीं आ रही है। ये इसको आप सीमलेस पट्टी भी बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।